वो चार पांच जो पॉइंट है ना, तो ये जो है ना इसमें हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और इसको इस पे मैं हो सकता है कल मैं क्लियर करके अच्छे से लाऊं, ठीक है। तो अभी जो आगे का था वेबसाइट विजिट वो पूरा करते हैं, है मेजर ना। मैं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। एलपी हाँ हाँ प्रियांशु बोलो। अगर मेरे पास एक है ना स्लाइड, मतलब मिला है जिसमें एलपीजी और सीएनजी में वो डिफरेंस बता रहा अच्छे से, तो बोलो मैं 1 सेकंड के लिए स्क्रीन शेयर करूँ नहीं क्या अभी सर? मत करो यार, आप पहले वो मत वेबसाइट का करो, लिंक फॉरवर्ड इंटरप्ट करो। कर दे लेते नहीं, उससे पहले बढ़िया ना उसे ग्रुप हाँ में डाल दो ताकि हम देख लेंगे। हाँ हाँ पढ़ लेंगे पढ़ शुभम, लेंगे। यस ग्रुप व्हाट्स से कर दो, अगर वो कर सकते हो शेयर तो ग्रुप पे कर दो। ठीक है ना, आगे बढ़ाते हैं यार डिस्कशन को। सीजीडी नेटवर्क आई थिंक डिस्कस कर लिया। इसके अंदर एक गलत बोल रहा था मैं कि सीजीडी के अंदर भी एलपीजी जाती है, लेकिन एलपीजी नहीं जाती, पीएनजी जाती है, पाइप नेचुरल गैस। अब उसका रीजन ये है कि एलपीजी जो थी वो सिलेंडर के हिसाब से डिजाइन थी गैस, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन पाइपलाइन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन ने गैस को मॉडिफाई कर दिया। अल्टीमेट गोल है कि घर में चूल्हा जलना चाहिए, ठीक है। तो सीजीडी नेटवर्क के जो एचपीसीएल लगा रहा है इसके प्रोजेक्ट की जानकारी दी है इसने। अल्टीमेटली मैंने मैप में आपको दिखा दिए रीजन्स जहाँ जहाँ पे प्रोजेक्ट्स चालू हुए इनके। उसके बाद है ये एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल। अब इसके बारे में मेरे को पता नहीं है ज्यादा, ठीक है, और आई डोंट थिंक कि ये इम्पोर्टेंट रहना चाहिए। किसी को पता रहे तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसमें यही जो दे रखा है वही पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे गुजरात में है 5 मिलियन मेट्रिक टन सोर्सिंग का। एंड मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस, एचपीसीएल इज बिल्डिंग 5 MTPA का एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनल बना रही है ये, ठीक है, गुजरात में, एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड। ये जब अपन जॉइंट वेंचर पढ़ेंगे ना उसमें आएगा ये नाम, एचपीसीएल एलएनजी लिमिटेड। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ डिटेल दिया भी नहीं है इन्होंने, एक लाइन में बस लिखा है। और पाइपलाइन नेटवर्क्स है जो देखो विजयवाड़ा, जो अपना जो विशाख विजयवाड़ा में ऑलरेडी एक पाइपलाइन है, ठीक है, अभी ये सिकंदराबाद तक शायद उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है। हसन का कुछ है इधर एचपीसीएल का, और बारमेर पालमपुर पालनपुर पाइपलाइन है। बारमेर में जो रिफाइनरी लग रही है ना वहां से ये अपना गैस नेटवर्क को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये छोटे मोटे इनके प्रोजेक्ट्स चालू हैं अभी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया रखना। सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन, फिर एक्सपांशन है, फिर सीजीडी नेटवर्क का है, रीगैसिफिकेशन टर्मिनल जो है गुजरात में है, और पाइपलाइन एक्सटेंशन कहाँ पे चल रहा है, विशाखापट्टनम की तरफ चल रहा है, और राजस्थान में बारमेर की तरफ चल रहा है। ये दो तीन चीजें हमें इस पेज पे याद रखनी है। इसके बाद में है जॉइंट वेंचर्स एंड सब्सिडरीज। तो जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडरीज में देखो इन्होंने एक पैराग्राफ लिख रखा है, इसमें अल्टीमेटली यही बताया है कि हम जो मेनली करते हैं ना वो तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है हमारा बिजनेस, लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, जैसे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, एलपीजी पाइपलाइंस है, नेचुरल गैस पाइपलाइंस है, पीओएल पाइपलाइंस है। ये पीओएल का मतलब क्या होता है समझ नहीं आया, ठीक है, पीओएल पाइपलाइंस बोल रहा है, और बिटुमिनस प्रोडक्ट्स को बोल रहा है। बिटुमिनस प्रोडक्ट्स आई थिंक वो होते हैं जो रोड वगैरह की कंस्ट्रक्शन में जनरली यूज होते हैं, काले कलर के चारकोल जैसे, है हाँ ना, हाँ वही कोल टार, FE4। कोल टार टाइप। हाँ अब देखो इसमें जो हमारा सबसे पहला जॉइंट वेंचर है और सबसे बड़ा जो है HMEL है, जिसके बारे में हम डिस्कस भी कर रहे थे। ये अगर देखा जाए HPCL की सब्सिडरीज में तो सबसे बड़ी रिफाइनरी यही है, और ये कहाँ पर थी, ये हरियाणा में थी, H से याद रख सकते हो हरियाणा। तो जो मित्तल एनर्जी लिमिटेड है उसके साथ में इसने कोलेब्रेशन किया था एचपीसीएल ने, और इन दोनों के शेयर 48.99% है दोनों के। बाकी जो शेयर बच गए वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो पब्लिक के शेयर है बाकी, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट में हम लोग खरीदते और बेचते रहते हैं। उसके बाद में देखो रिफाइनरी का नाम है, दोनों ने कोलेब्रेशन किया, ठीक है, कंपनी बना ली, लेकिन रिफाइनरी का नाम रखा ही है गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी, ठीक है। अभी इसमें एडिशनल प्रोजेक्ट्स चालू है गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी में। एडिशनल प्रोजेक्ट क्या चालू है कि ये अपनी एक पॉलीमर की यूनिट्स लगा रहे हैं वहाँ पे, जो पॉलीमर बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ये देख लेना। द प्रोजेक्ट स्कोप कंप्राइजेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ वर्ल्ड क्लास क्रैकर यूनिट्स टू प्रोड्यूस ऑप्टिमाइज्ड एथिलीन एंड सेटिंग अप ऑफ एसोसिएटेड डाउन स्ट्रीम पॉलीमर यूनिट्स, मतलब जो LLDPE, HDPE, ब्यूटेन एंड इम्पैक्ट प्रोपिलीन, इस तरह के ये लोग बाय प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं पॉलीमर की फॉर्म में, उसके लिए एक प्लांट लगा रहे हैं वहां पे हरियाणा में, ठीक है, जॉइंट वेंचर है ये भी जो प्लांट लगा हरियाणा या पंजाब? रहा है।
पंजाब पंजाब हाँ बठिंडा पंजाब है, पंजाब ठीक है, पंजाब है नाम यार मेरे को गलत ध्यान नहीं है। पंजाब से अगर कोई होगा उसके लिए तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये जो पंजाब ही नहीं पूरा नॉर्थ नॉर्थ साइड में जो भी है ना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ स्पेशली जो पंजाब से होगा, हरियाणा पंजाब और जैसे जैसे शुभम राजस्थान से है तो उसके लिए बारमर रिफाइनरी के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है। मेरे से तो वही पूछेंगे, मेरे पास बहुत अच्छा आंसर भी है उसका। राजस्थान में जैसे कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह कुछ है नहीं, गुजरात में तो काफी सारी फैक्ट्रीज है। तो अब और जैसे देखो और मैं और शिव हैं बिहार से तो हम लोग से सब आ सकता है, तो सब पढ़ना होगा। नहीं हम हमसे यही आएगा कि बिहार से कि IOCL हमारे बरौनी में है तो वो उन्हीं से क्वेश्चन पूछेंगे उसमें क्यों नहीं किया, उसमें विजिट क्यों नहीं किया, ये आलते फालतू के क्वेश्चन। अरे बायोफील्स भी तो है बिहार में स्पेशल का। एक वो भी और एशिया क्या इम्पोर्टेंट है इसके लिए एमपी में देखो जया अभी ना वो पाइपलाइन नेटवर्क तो चालू है उनका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आगे बढ़ के अभी वो एमपी में आए हैं ठीक है ना, तो एमपी वालों के लिए फिलहाल तो पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो नीचे देखो मिलेगा इसी में कुछ ना कुछ मिलेगा कहीं ना कहीं। भोपाल से निकलती है वो पाइपलाइन, भोपाल से होते हुए फिर वो राजस्थान में एंटर करती है। भोपाल 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 त्रासदी के बारे में भी पूछ सकते हैं, इसलिए वो उसको भी पढ़ लेना। हाँ सही बात, फैक्ट्री का नाम पूछ सकते हैं और कौन सी गैस थी, कौन सी गैस थी और क्या रीजन था उसका, साइनाइड कर गए थे। ठीक है आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान कोलास प्राइवेट लिमिटेड, इसमें क्या है जॉइंट वेंचर है, ये भी 50% इक्विटी है दोनों का ठीक है, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस इसमें ये बताया गया है कि COVID-19 के चैलेंज के टाइम पे भी इन्होंने बढ़िया से प्रोडक्शन निकाला और ज्यादातर बिटुमिन्स के जो डेरिवेटिव्स है ना उसके लिए ये फेमस है, ये वाली जो जॉइंट वेंचर है। देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, विच आर वाइडली यूज इन रोड एयरफील्ड कंस्ट्रक्शन इन इंडिया, और जो रोड में दरारे वगैरह हो जाती है क्रैक्स वगैरह को भरने होते हैं ना, तो उसके लिए भी बिटुमिन्स के जो बाय प्रोडक्ट्स और स्लरी सीलिंग वगैरह के लिए ये यूज होता है ठीक है, इतना सा बस इसमें लिखा हुआ है। इमल्शंस क्या होते हैं ये तो यार पेट्रोलियम वाले ही बता पाएंगे, ये लुब्रिकेंट वगैरह में ऑयल एंड इमल्शंस यूज करके ऊपर इमल्शन। इमल्शन तो एक टाइप का वो होता है ना जो चार तरह का जो बनता है, एडिटिव नहीं क्या चीज, एडिटिव नहीं क्योंकि ये हिनकोल है ना अपना मतलब हाईएस्ट इमल्शन सेल्स रेट इसके रही थी, इसमें भी लिखा सेकंड पैराग्राफ में ये मेंशन है, तो भाई गूगल के ये बता रहा है इमल्शन इज अ मिक्सचर ऑफ सुअर बोर्ड लिक्विड दैट आर नॉर्मली इमिसिबल। ये एक्चुअली सॉल्यूशन जब पढ़ते हैं ना तो डिफरेंट टाइप के, जैसे कि एक इमल्शन होता है एक, जैसे कि और एक पढ़ते ना कीचड़ जो होता है ना वो नीचे चले जाता है वो पानी के ऊपर आ जाता है, इसको भी कुछ हां लिक्विड लिक्विड का ही होता है, लेकिन होता है यार बोल रहा हूं ना वो स्लैग होता है स्लरी होता है, लेकिन इमल्शन से अलग चीज है। चलो इसके बारे में देखते हैं बाद में, आगे और आएगा वैसे इसका। आगे बढ़ते हैं, आई डोंट थिंक कि हिंकोल में और कुछ ज्यादा सोचने या समझने वाला है। हाँ एक चीज है जो बोल रहे थे ना ईस्ट वाला, तो यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है कि असम वगैरह में है ना इनका जो फैसिलिटी है वो है ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना ईस्ट वाले हिंकोल के बारे में ठीक है। उसके बाद है साउथ एशिया LPG को प्राइवेट लिमिटेड, हाँ ये है ना। अभी देखो इसके अंदर जो है इन्होंने एक LPG कंपनी है SA करके साउथ एशिया, उनके साथ में जॉइंट वेंचर किया है, तो दोनों की 50% ये। कल हमारा एक क्वेश्चन आ भी रहा था बीच बीच में कि यार ये पेट्रोलियम वाली कंपनी गैस ला कहाँ से रही है ठीक है ना, तो वो सबका आंसर अभी तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो देखो एक तो इसने गैस यहाँ से ले ली साउथ एशिया LPG वाली कंपनी से, इसमें लिखा भी है कि शायद इनका अंडरग्राउंड, देखो ये जो साउथ एशिया वाली कंपनी ना इसका अंडरग्राउंड LPG कैवर्न है, ये इसको क्या बोलते हैं जो मतलब ऐसा गुफा टाइप का स्ट्रक्चर होता है अर्थ के अंदर जहाँ पे गैस भरी होती है, अब उसको धीरे धीरे उस गैस को निकाला जाता है वहां से होल बना के पाइपलाइंस के थ्रू, तो उस गैस को धीरे धीरे निकाल के उसको कंप्रेस करके पाइपलाइंस में भेजा जाता है डायरेक्टली, तो उसमें ज्यादातर कुछ रिफाइनरी वगैरह नहीं होती है, डायरेक्टली पाइपलाइन में भेजने का काम होता है। तो HPCL ने जॉइंट वेंचर कर लिया इस कंपनी के साथ कि चलो तुम निकालो हम तुम्हें फंड करते हैं और अपन दोनों मिलके एक बड़ी कंपनी बनाते हैं जो इस गैस को डिस्ट्रीब्यूट करेगी कहाँ पे, ये देखो डिस्पेस फैसिलिटीज एट विशाखापट्टनम ठीक है, उसकी मतलब ये विशाखापट्टनम एरिया के लिए LPG नेटवर्क हो गया एक तरह से HPCL।
ऐसे मैप्स वाइज ध्यान रखना, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। फिर है भाग्यनगर गैस गैस लिमिटेड, ये जो अपना गेल के साथ में देखो इन्होंने जॉइंट वेंचर किया, क्योंकि गेल ही है जो मतलब जनरली गैस लाइन वगैरह में इन्वॉल्व है इंडिया के अंदर, जिसको अथॉरिटी है अपनी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से फुल्ली। तो इसी के अंदर ले दे के सारी जो कंपनीज है वो आ जाएंगी। तो इसने एचपीसीएल ने गेल के साथ 48.73 की इक्विटी पे किया है। इसके अंदर देखो हैदराबाद, विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की जो जगह है ना, स्टेट्स है, वो आ गई। तो साउथ एशिया कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में, भाग्यनगर गैस लिमिटेड करके कहाँ पर है, जो मिडिल वाला पोर्शन है इंडिया का, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है। अभी देखो पीएनजी का यहाँ पे आ गया, जिक्र आ गया पीएनजी सेल्स ओवर प्रीवियस ईयर, तो पीएनजी जो हम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद है अवंतिका गैस लिमिटेड, ठीक है। अवंतिका गैस लिमिटेड आई थिंक मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी। तो जो जया बोल रहे थे कि इंदौर, उज्जैन, पीतमपुरा, ग्वालियर, यहाँ सब पे देखो एचपीसीएल का एक जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश के अंदर अच्छा खासा, जिसको अवंतिका गैस लिमिटेड बोल रहे। तो अगर हम अभी मैप पे भी जाएंगे, मैप को देखते हुए भी बात करेंगे। फिर उसके बाद है पेट्रोनेट, मतलब इनमें यही याद रखना है, बाकी ये कमर्शियल टर्म्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तो पूछी जाएंगी ना तो याद होंगी, है ना, और ना इंटरव्यू में ऐसा कोई टॉपिक आना तो नहीं। अरे जिसका जो इंडिविजुअल स्टेट के हिसाब से ना वो पढ़ लो यार, बाकी डिटेल्स इतना कौन याद रखेगा। ये ओवरव्यू मतलब आसपास का, उसमें अगर अगर क्या मतलब इतना डिटेल लाइक सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ो और नहीं, बट एक्चुअली जिसका जो होम स्टेट है ना उससे रिलेटेड सब्सिडियरी क्या डेवलपमेंट चल रही है। या तो बिल्कुल साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पे चला सकता है, जैसे व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू, इस तरह से, ठीक है। तो हम इस केस में ये प्रिपेयर करके जा रहे हैं कि हमें एटलीस्ट एचपीसीएल के बारे में पूरी नॉलेज हो, ताकि हम इंटरव्यू में अच्छे से एचआर को आंसर दे पाए। और जो हम कर रहे हैं अभी ये यूनिक है किस वे में, क्योंकि बाकी लोग जो होंगे ना वो इतना पढ़ के कोई नहीं जा रहे, और इतना पढ़ के नहीं जा रहे तो उनका डिसएडवांटेज ये है कि जो काउंटर क्वेश्चन पे हमें एबिलिटी डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे एचआर के, वो उनको नहीं मिल पाएगी। इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, इतनी डिटेल में वेबसाइट को जाके देख रहे हैं, है ना। अदरवाइज एचआर कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं पूछने वाला है कि बताओ तुम ये वाली जो जॉइंट वेंचर है कहाँ पे, वो क्वेश्चन आंसर नहीं खेलेगा। हाँ लेकिन अगर घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा ना, तो अपने स्टेट से रिलेटेड, वहाँ स्पेशल में कहाँ कहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, लोकेशन जो बोलते हैं लोग जनरली ब्लाइंड हो गए कि मुंबई रिफाइनरी में मिल जाएगा, उनको पता ही नहीं है कि पंजाब में भी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरह की चीजें के लिए हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं यार, पेट्रोनेट एमएसबी लिमिटेड करके है। तो पेट्रोनेट जो है ये भी जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल और ओएनजीसी का। देखो ये जॉइंट वेंचर आ गया है यहाँ पे, जिसमें दोनों की इक्वल पार्टनरशिप है ओएनजीसी के साथ में। अभी ये बेसिकली क्या कर रही है कि रिफाइनरी के जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनको कर्नाटका के वेरियस पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने की ये मतलब इनका कंपनी है। जो एमआरपीएल रिफाइनरी है ना एचपीसीएल की, उनको उनके जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उनको जो कर्नाटका स्टेट है उसके वेरियस पार्ट में ये ट्रांसपोर्ट करती है पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड करके। इसके अलावा तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये याद भी नहीं रहते और पूछेंगे भी नहीं। फिर है मैंगलोर रिफाइनरीज करके, ये ऊपर ऊपर से देखना ये इम्पोर्टेंट है ना, ये मैंगलोर रिफाइनरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें ONGC का जो होल्ड है ना वो ज्यादा है, 71.63% की इक्विटी है और HPCL की केवल 16.96% की इक्विटी है इसके अंदर। और इसको स्टेटस मिला है शेड्यूल ए मिनी रत्ना, ठीक है, मिनी रत्ना है। हालांकि इसका जो प्रॉफिट है वो अभी उतना अचीवेबल नहीं है, लेकिन इस पे एक्सपांशन प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें ये बाद में जाके इसके इक्विटी वगैरह चेंज हो सकते हैं। उसके बाद है मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म। अभी देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने एक बताया भी था ना एविएशन फ्यूल से कितने स्टेशन है, 47 स्टेशन। अब देखो इन्होंने क्या किया कि इसमें तीन चार कंपनियां मर्ज हुई हैं। एक तो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड IOCL, BPCL और HPCL।
ये चार कंपनियों का जॉइंट वेंचर है जिसमें 25% इक्विटी है एक कंपनी की, ठीक है। और जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे ये फॉर्म फैसिलिटी है जहाँ पे ये क्या करते हैं, जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है वहां के एग्जिस्टिंग एविएशन फ्यूल फार्म का उसको ये देखते हैं। तो ये चार कंपनी मिलके उसको चला रही है। अभी कैसे चला रही होंगी कि यार मतलब ऑपरेशन जैसे फ्यूल भरना है या फिर फ्यूल को जैसे ऑक्टेन नंबर वगैरह की उसमें एयरप्लेन में भरने से पहले ना उसकी टेस्टिंग होती है, ये सब चीजें होती है, तो उसमें ये मदद करती है चारों कंपनियां। और ये फ्यूल भी अपना अपना प्रोवाइड करवाती होंगी, जैसे IOCL का भी ऑयल जाता होगा वहां पे, HPCL का भी पेट्रोल जाता होगा। इस तरह से इन्होंने चारों ने मिलके जॉइंट वेंचर वहां पे बनाया है, ठीक है। उसके बाद में देखो गुजरात के ये दो जॉइंट वेंचर्स हैं जिसमें गुजरात की कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। ये दोनों ही जॉइंट वेंचर्स जो है वो बेसिकली गैस पाइपलाइन से रिलेटेड है। एक में मतलब इनमें बस लोकेशन का ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। GSPL और GSPL इंडिया ट्रांसको लिमिटेड, इन दोनों में बस यही डिफरेंस है कि इनकी जो लोकेशन है ना गैस पाइपलाइन की वो चेंज है, ठीक है। और जो सेकंड वाली है ना इसमें, ये गुजरात ट्रांसको लिमिटेड, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मल्टी मल्टी पाइपलाइन इन्होंने शायद लगाई है। एक सेकेंड, मल्टी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसमें पेट्रोलियम में क्या होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको ये भेज पाएंगे उससे। इसमें कहीं लिखा था, ठीक है आएगा शायद, या तो पढ़ना अपने तरफ से एक बार करते। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस गुजरात में दो जॉइंट वेंचर है, इतना याद रह जाएगा तो काफी है, ठीक है। मतलब ये HPCL की ना आप प्रेजेंस देख रहे हो वर्ल्ड वाइड कि क्या प्रेजेंट, ये नेशन वाइड की क्या प्रेजेंस है। उसके बाद है गोदावरी, अभी तक हमने चार तरीके ऐसी कंपनियां पढ़ ली है, ऊपर तीन थी जिसमें से पहली विशाखापट्टनम, दूसरी आंध्र प्रदेश तेलंगाना, तीसरी मध्य प्रदेश, और फिर ये गोदावरी वाली आ गई जो अगेन आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रिलेटेड। इसका भी काम वही है कि गैस पाइपलाइन नेटवर्क को देखो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाना, CNG स्टेशन वगैरह भी कुछ लगाए हैं। तो मतलब इससे क्या है, ओवरऑल एक आइडिया मिल रहा है कि चार तरह के जॉइंट वेंचर है जो इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट्स में जनरली ईस्टर्न कोस्ट पे मिडिल इंडिया में और नॉर्थन इंडिया में अपनी लाइंस को बिछा रहे हैं। उसके बाद है रत्नागिरी, रत्नागिरी छत्तीसगढ़ में, नहीं छत्तीसगढ़ में नहीं महाराष्ट्र में, ठीक है। तो रत्नागिरी रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इसके अंदर भी IOCL के साथ में, BPCL के साथ में और HPCL, ये तीनों ने मिलकर ज्वाइंट वेंचर खोला है। काम वही है कि रिफाइनरी लगाने वाले ये लोग, रिफाइनरी लगा लिए इन्होंने, ठीक है ना, इस तरह का ही ज्वाइंट वेंचर है ये भी। उसके बाद में HPOIL, अब इसमें नाम में ही क्लियर है कि HPCL और ऑयल इंडिया लिमिटेड का ज्वाइंट वेंचर होगा। तो देखो HPCL ने ना लगभग सभी कंपनीज के साथ में लेना देना है, IOCL, BPCL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ONGC, लगभग सभी बड़ी कंपनीज जो है पेट्रोकेमिकल्स के उनके साथ तो चला ही रही है। अदरवाइज जो छोटी कंपनीज भी है ना जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह में इन्वॉल्व है उनके साथ भी ज्वाइंट वेंचर से चला रही है। तो ये वाली जो कंपनी है HPOIL, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में गैस पाइपलाइन का काम देखा है, अम्बाला कुरुक्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा में और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में, उसमें ये लोग CGD गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की पाइपलाइंस डालने में लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है IHB लिमिटेड करके, IHBPL करके है। IHBPL भी वही है IOCL, BPCL और HPCL का जॉइंट वेंचर है। इसकी इक्विटी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि जो बॉटलिंग प्लांट्स है ना, एन रूट द पाइपलाइन इन गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तो मतलब अब जो बच गए थे पंजाब हो गया था, मध्य प्रदेश हो गया था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वाइजेक विशाखापट्टनम, ये हो गए थे। अब इसके बाद बचे क्या, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। MP में तो ऑलरेडी है, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी जो अनटच्ड एरिया है वहां पे भी इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है, वहां पे भी ये लोग पाइपलाइन वगैरह का नेटवर्क मल्टीपल फ्रंट्स में खोलने की प्रोग्रेस में, ये देखो लिखा है लेइंग इज इन प्रोग्रेस एट मल्टीपल फ्रंट्स। मतलब ऑल ओवर इंडिया तुम देख पा रहे हो कि सभी चीजों को ये गैस पाइपलाइन से कनेक्ट करने वाले, एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए इंडिया में, ठीक है। उसके बाद है प्राइस पेट्रोलियम, तो ये हमने आगे भी देखा था, फ्रंट पेज पे ही था।
कि जितने भी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ब्लॉक्स हैं एचपीसीएल के, उसका ऑपरेशन जो देखती है ना यही कंपनी देखती है, प्राइस पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड करके, ठीक है। तो इस ये कंपनी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट ऑफ ईएनपी ब्लॉक्स, हालांकि ये एचपीसीएल की ही सब्सिडरी है, ठीक है, जॉइंट वेंचर है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो क्रूड ऑयल निकल रहा है उसके मैनेजमेंट जो है ऑपरेशंस वो ये मैनेज करती है, ठीक है। उसके बाद में है एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड, तो इसमें दो ही प्लांट हैं, बिहार के अंदर ही है दोनों। बिहार के अंदर कहाँ पे है, सागौली में, सुगौली, और ये क्या नाम है, लोरिया डिस्ट्रिक्ट, है ना। हेलो गाइस, आई थिंक ये दो ही नाम है इनके, तो बिहार में ही है पूरी तरह से और बायोफ्यूल्स है। लेकिन ना इस पे एक चीज ध्यान रखना कि ऐसा इंजीनियरिंग का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे गांव वाले भी अगर इस प्लांट को चलाना चाहे ना तो वो चला सकते हैं। मशीनरी के नाम पे दो चार पंप होते हैं, कंप्रेसर कुछ होते हैं, उनका काम बस यही होता है कि जब खाद सड़ जाती है तो उसको फिर निकाल के उसको कट्टों में भर के उसको एज अ खाद बेचना, और CO2 का अलग से कंप्रेशन करके उसको टैंक वगैरह में भर के जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है उनको भेजना, ताकि फूड के कंजर्वेशन में CO2 काम आती है। और तीसरी चीज है जो बायोफ्यूल निकल रहा है ना उसको टैंकर्स में भर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसमें एज एन इंजीनियर अगर तुम लोग बोलने जाओ कि बिहार में मेरे बायोफ्यूल्स है तो वहां पे कर सकता हूँ मैं काम, तो वो मतलब उतना अच्छा इंप्रेशन नहीं देगा क्योंकि तुम्हारा कोई काम है नहीं बेसिकली। तुमने पढ़ा है क्या इसके बारे में? इसके बारे में मैंने नहीं भाई, प्लांट के बारे में पढ़ा है, प्लांट कैसे ऑपरेट करता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक बार खुद से भी रिसर्च करना। तो बायोफ्यूल से रिलेटेड मतलब वहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं है ज्यादा, वो गांव वाले ही ऑपरेट करते हैं बेसिकली अगर चाहे तो। खड्डे बनने अगर ये क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई बिहार में कुछ है एचपीसीएल का, यार देखो तो मतलब बायोफ्यूल, हाँ सब्सिडरीज या वो तुम बता सकते हो, सब्सिडरी है बिल्कुल है एचपीसीएल बायोफ्यूल। और इसकी खास बात ये है कि पूरी तरह से ओन्ड है ये देखो यहाँ लिखा है वॉली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ एचपीसीएल, मतलब इसमें किसी की भी पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। और तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी होगा कि एक टैंक होता था उसके अंदर में सड़ा गला गोबर वगैरह ये सब डाल देते थे, तो थोड़े दिन बाद ऊपर गैस, बस वही प्लांट है ये बेसिकली और कुछ नहीं है। बस इसमें थोड़ा प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए इतनी जरूरत नहीं है हाई मशीनरी की। तो बेसिकली अपना काम तो रिफाइनरी में है, वहीं से रिलेटेड बताना कि सर इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, तो इसमें देखो लिखा है कि 74% इक्विटी जो है एचपीसीएल के पास है और 26% गवर्नमेंट के पास है। ऐसा पहला जॉइंट वेंचर है एचपीसीएल का जिसमें गवर्नमेंट ने खुद रख रखी है अपने पास। ये शुभम ये स्टार्ट हो चुका है क्या ये रिफाइनरी? ये स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें देखो लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि कितना कंप्लीट हो चुका है, मेजर प्रोसेस यूनिट हैव बीन कंप्लीटेड, लेकिन एक क्या बोलते हैं, एक रिफाइनरी को ऑपरेट होने के लिए ना पूरी तरह से पहले बनाना पड़ता है, क्योंकि आपने प्रोसेसिंग यूनिट्स को कमीशन कर लिए मतलब बना दिए उनको, लेकिन उनके लिए उनकी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए ना अदर प्लांट्स की भी जरूरत होती है, जैसे हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट होती है, डीजल हाइड्रो ट्रीटिंग यूनिट होती है, ये सबकी यूनिट्स होती है, क्योंकि प्रोसेस जो होती है ना एक पूरा इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। प्रोसेस का जो आउटपुट निकलेगा और जो बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे, अगर आपने केवल रिफाइनरी के प्रोसेस यूनिट्स कमीशन कर लिए तो बाय प्रोडक्ट्स जो निकल रहे हैं उनका करोगे क्या फिर आप? उनको भी तो साथ के साथ प्रोसेस करते जाना है ना। तो अभी कमीशन मतलब पूरी तरह से कमीशन नहीं बोलेंगे, अंडर प्रोग्रेस है, और 2023 तक ये प्रोजेक्ट लग जाना चाहिए। COVID-19 आ गया था तो थोड़ा सिचुएशन खराब हुआ था। उसके बाद है ये दो कंपनियां थी यार, इनके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैं भी थक चुका था तब तक, और ये तो मैं आपस में पढ़ लेना। इसके अलावा इसके आगे जो है मैं गया नहीं, तो इसके आगे किसी ने पढ़ा हो तो बता सकता है। आई थिंक सब सुन रहे थे, सो कोई नहीं रहा था। yes, yes. मेनली 5-6 प्रोडक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं और उनका एक्चुअल में
होता है, जैसे कि अगर तुम लोगों ने सुना होगा वो कूल गार्ड नाम से आता है, जो अपने रेडिएटर को ठंडा करने के लिए आता है एक्चुअली में, और वो लाल घोड़ा है, तो वो वाली स्लाइड शुभम भाई निकाल लो। हेलो, हां बोलो, आवाज आ रही। या तो उसके बारे में मैंने पढ़ा है, मैं एक मिनट ट्राई करता हूँ स्क्रीन शेयर करने की, अगर वो होती है तो फिर आगे मतलब इसी के यहीं से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लो यार, वैसे टाइम आई थिंक कि होने वाला होगा। एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत है यार, कितना टाइम बचा भी इसमें दिखा तो नहीं रहा, पर 10 से ज्यादा ही मिनट बचे। 8:40 पे हमने स्टार्ट किया था, 15 मिनट बाद। तुम वो ऑन करो, होस्ट डिसेबल कर रखा है। स्क्रीन ऑन करूं क्या? हां कर सकते हो आप लोग, स्क्रीन शेयर मैंने कर दिया हूँ। वीडियो यार एक दो जने तो ऑन कर लो, दो ही जने ऑन करके बैठे हैं। दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, दिख रहा। तो अभी शुभम ने यहाँ तक बता दिया था जेवीज एंड सब्सिडरीज के आगे, बाकी अपने काम का नहीं है। एक ये है अवार्ड एंड अकोलेट्स जो कि मिला हुआ है, पूछ सकते हैं कि क्या क्या अवार्ड मिले हैं एचपीसीएल को रिसेंट ईयर्स में। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 इसके लिए जो है वो अवार्ड्स हम देख सकते हैं कि ये है राजीव सरस्वत सम्मान, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय श्रुति संवाद। उसके बाद एक हमको ये क्या कहते हैं हिंदी वो ये मिला था कीर्ति पुरस्कार राजभाषा, जो कि 8th टाइम मिला है रिकॉर्ड। उसके बाद एचपीसीएल विंस 11 डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस अवार्ड एट पीआरसीआई। PRCI के बारे में अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वैसे उतना कुछ इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा है। और इधर यही है कि पुरस्कार मिला हुआ कीर्ति पुरस्कार राष्ट्रभाषा जो 4 बार मिला है, मेन यही है इसमें। और उसके बाद इधर अपना एक और इसको मिला था इस साल के फाइनेंशियल ईयर में कि ये लाइक बेस्ट ऑयल कंपनी ऑफ द ईयर भी बनी है। हाँ हाँ ये वो मिस्टर सोनी ने स्पीच दी थी, या स्पीच दी थी उन्होंने ये चीज। हाँ मैंने ही पढ़ा तो था लेकिन इसमें दिख नहीं रहा कहाँ पे। इसका मैं ग्रुप में भेज दूंगा, थोड़ा डॉक्यूमेंट फॉर्म में है ये, मतलब प्रूफ के साथ भी मैं। हाँ यार भेज देना, शेयर करा दो यार, कुछ भी पता चले तो, क्योंकि क्या शेयरिंग से ही पता चलेगी। उसके बाद अपना बिजनेस पे आ जाता है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखा जाता है बिजनेस। और एक ये सस्टेनेबिलिटी और CSR, ये तीन चीजें अपने काम की जो बची हुई है अभी। तो रिफाइनरीज हमने कर ली हैं, इस वाले स्लाइड में कुछ ज्यादा खास वही है कि अब इसको थोड़ा डिटेल में बताया हुआ है इन्होंने, जो कि अपने काम का है नहीं मेन जो है ये। एक्चुअली बिजनेस पार्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह है वो इंपॉर्टेंट है, जो बिजनेस पार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स वाला पोर्शन जो इसमें ये दिखा दिया वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना हो रिटेन करने के लिए पढ़ सकता है। उसके बाद रिटेल पेट्रोल पंप, तो ये अपने लिए उतना नहीं है, जिसको चाहिए पेट्रोल पंप की ओनरशिप अप्लाई कर सकता है। अरे नहीं, अगर कोई किसी के यहाँ पे ये मिल जाएगा आपको कि हम एक मिनट विष्णु। हाँ बोलो। मैं कह रहा था ना किसी के घर के पास अगर पेट्रोल पंप हो ना, तो एक बार जरूर यार विजिट कर लो, क्योंकि ना कि यहाँ पे ये दे रखा है कि पेट्रोल पंप पे क्या क्या मिल सकता है, यहाँ पे हम देख लेंगे। ये देखिए ये सारी चीजें मिलती है। एक्चुअली रोशन भाई ये जो रिटेल वाला है इसके अंदर पर्टिकुलर ऑप्शन में जाने पर जो इसके प्रोडक्ट्स है उसके बारे में वो डिटेल में दे रखा है, तो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स का नाम, बेसिक प्रोडक्ट का नाम बताना। हाँ ये वही स्लाइड है एक्चुअली, ये देखो ना, ये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, टर्बोजेट। एक बार मैं इसको ओपन कर, पेट्रोल तो सबको ही पता है, फिर भी देख लेते क्या क्वालिटी कैसे क्या दिखाते हैं। एक्चुअली मैंने ये इनके बारे में मतलब पढ़ा भी था और नोट डाउन भी करा था, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पावर और पावर 99 हो गए, पेट्रोल गैसोलीन का टेक्निकल टर्म्स जो है मोटर स्पिरिट होता है और ऑटोमोटिव गैसोलीन होता है, वैसे डीजल का हाई स्पीड डीजल होता है। ठीक है, उसके बाद ये 10 मिनट बाद कंक्लूड करेंगे आज के लिए, फिर कल स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑक्टेन नंबर ये रहा, वाइडली यूज्ड ऑक्टेन, इंडिया रिक्वायर पेट्रोलियम ऑफ मिनिमम ऑफ 19 ऑक्टेन रेटिंग, ठीक है, व्हिच इज अवेलेबल थ्रू आउट एचपीसीएल रिटेल आउटपुट नेटवर्क इन इंडिया। हाई परफॉर्मेंस कार एंड मोटरसाइकिल यूजिंग ऑक्टेन नंबर लाइक पावर 99, इंडियाज हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 91 मिनिमम रेटिंग है और बाकी पावर 99 होता है, लेकिन अभी देखा जाए तो IUCL का नया आ रहा है XP100, जो कि अभी इंडिया सबसे ऊपर होने वाला है। हाँ, एक्स्ट्रा तो पावर 99 हो गया। उसके बाद इधर कोई डाटा बेस इम्पोर्टेंट वैसा भाई इसका ये रोशन, इसका जो पावर 99 है ना, ये HPCL का जो मैंने वेबसाइट खोला था तो पावर 100 का भी कुछ दिखा रहा था, वो भी लॉन्च होने वाला है, देख लेते हैं अगर मिलता है तो।
उसके बाद ये इसमें एन ऑक्सीजनेटेड एसलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अल्कोहल ईथर. रोशन भाई, रोशन हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे भी टाइम भी कम है तो एक काम करता हूँ मैं, इसको कल इसके आगे वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करता हूँ, कल करते हैं, मैं इसको कल तरीके से कल वापस प्रेजेंट करता हूँ मैं. हाँ, और ये वाला पोर्शन मैं कर लूंगा. ओके गाइस, कल का ऑफ रख सकते हैं क्या? लाइक कल एग्जाम है IGCR का, या फिर आप लोग कंटिन्यू करो तो रिकॉर्ड कर लेना अच्छे से जिससे मैं देख लूं. कल सुबह कर लेते हैं, शाम तक तो फ्री हो जाओगे ना एग्जाम से वैसे. अरे ये मेरा लोग क्या ट्रेवल भी करेंगे, क्योंकि एक दो लोग और बोले थे मेरे को मैसेज में कि भाई एग्जाम वगैरह ट्रेवल करेंगे तो 25 को या 24 को कर लो. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि कल ज्यादा मतलब ज्यादा काम डिवाइड कर लें जिससे कि लोग थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें, तो 2 घंटे का सेशन परसों रख सकते हैं. और नहीं तो ऐसा कर सकते हैं ना, अभी जीटी ज्यादा कर ले और ये जो पोर्शन है इसको ये स्टॉप करके 2-3 देर बाद शिफ्ट कर ले, और तब तक हम लोग अच्छे से परसों कर लेते हैं ये, इसको कंटिन्यू ना परसों से कर लेते हैं. कल अपन एक काम करेंगे, अपना जो इंटरव्यू है ना उसको थोड़ा प्रिपेयर करते हैं, इंट्रो वगैरह HR क्वेश्चंस ये सब अब अपन प्रिपेयर कर सकते हैं. यस यस यस, है ना. तो अपन रटने वाला जो काम है ना इंटरव्यू में, जो रटने वाले आंसर्स है, इंटरव्यू को अच्छे से रटना है पूरा, HR क्वेश्चंस को रटना है अच्छे से, जो पूछने वाले हैं कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह के जो जनरल क्वेश्चंस है ना उनको रट के पूरा अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं. गाइज मेरे पास 125 या 126 क्वेश्चंस का HR मतलब HR क्वेश्चंस है HPCL के. तो यार अगर YouTube वाले वीडियो, क्या वो YouTube वाले वीडियो क्या एक लड़का ने शेयर किया? नहीं नहीं, वो एक्चुअली किसी ग्रुप से फॉरवर्ड था. यूअर वीडियो पे पोस्ट आया था. हां तो जया ना वो प्लीज शेयर कर दो यार आप हम लोग. तो अगर हम लाइक ओके मैं शेयर कर दूंगी. ठीक है, एक्चुअली वो भी नहीं कर सकते. एक काम करना, मेरे को शेयर करना, फिर मैं जो अपने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स है ना उनको शेयर कर दूंगा, क्योंकि इन सबके नंबर है मेरे पास, क्योंकि कंपटीशन बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है मार्केट. क्योंकि वो भी लाइक वो भी ऐसा है सीक्रेट टाइप का ही है, तो इस चक्कर में. ठीक है, कॉम्पिटिशन बढ़ा के और फालतू में क्यों हम उनकी हेल्प करें जब हम लोग इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इन्वेस्ट कर रहे हैं. शुभम भाई एक 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 आईडिया. हाँ नील बोलो. अगर हो सके तो उस पे वर्क कर सकते हैं, कि जैसे कि कोई अगर एक्सपीरियंस पर्सन हो अपने कांटेक्ट में जिन्होंने. एक तो ये विष्णु जो है ना हर बार बोलता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभी तक इसने किया कुछ नहीं है. अब वो 25-26 के बाद बोल रहा था करेंगे कुछ. विष्णु भाई अरे उन पे टाइम एक्चुअली इसका मैं रीजन बताता हूँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ. जो एक्चुअली इसका रीजन बताता हूँ कि जैसे अपन बहुत से अपन जीडी कर रहे हैं या फिर जिनके भी साथ जीडी कर रहे हैं, तो थोड़े से कहीं ना कहीं अपने साथ भी मिसकंसेप्शन है जो को लेके, कि बहुत सारे ये सोचते हैं ज्यादा पॉइंट रखने से अच्छा होगा. मतलब एक परफेक्ट आइडिया चाहिए कि किस टाइप का बिहेवियर वन होना चाहिए, कि ज्यादा पॉइंट रखना कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर किस वे में रखना चाहिए, किस टाइप का प्रोफेशनलिज्म वहां फॉलो करना चाहिए. मतलब एक आइडिया लग जाए ताकि अपन चीजें अरेंज कर सके. जया क्या बोल रहे हैं? जया कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मेरा एक फ्रेंड है HPCL में, तो उसने कुछ चीज बताई थी इम्पोर्टेंट, लाइक GT में हमें कैसे परफॉर्म करना है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, लाइक ज्यादा ही ज्यादा बोलते हैं, किसी की सुनते नहीं है, तो उनको ज्यादा कंसीडर नहीं करते वो. और उनने बोला कि लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, अगर आप अपने आइडियाज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, तो इसका इशू नहीं है. और उनने ये बोला था कि लाइक अगर जैसे सामने वाला कुछ लाइक टॉपिक के आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहा है कि हमारा वो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम उसको टोटली रॉन्ग ना बोल के उसको पॉजिटिवली हम उसका मतलब सही बोल सकते हैं, और उसको मॉडिफाई या फिर हम उसको ऐसे लाइक टोटली रॉन्ग नहीं बोल सकते किसी को. तो उसने ये सब जया इफ इट्स पॉसिबल कैन यू इनवाइट हिम, लाइक वी कैन अरेंज अ सेशन इन व्हिच लाइक योर फ्रेंड. बोलना पड़ता है कि लाइक थोड़ा सा टाइम निकालो. मैं 3 लोगों से बात कर रही हूं, एक मेरा फ्रेंड है ONGC में, और एक सीनियर, और एक मेरा फ्रेंड, दोनों HPCL में. तो उनका दोनों का जो दोनों से बात हुई और जो कॉमन निकल के आया वही मैं बता रही हूँ कि मतलब उनने क्या क्या बोला और कैसे. तो उनने यही बोला कि एक्चुअली अगर वो सेशन में आ पाएंगे तो अपने जैसे अपने 10 मेंबर 10 होगी, कुछ अलग अलग
टाइप के क्वेश्चन होंगे तो मोस्ट ऑफ जो अपन को आइडिया लग जाएगा ना, मतलब काफी डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाएगा अलग अलग क्वेश्चन से। हाँ, अगर हो सके तो संडे के दिन या फिर मतलब किसी दिन अगर हो सके तो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, पता ना, बहुत लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लोग नेटवर्क के बाहर ही रह रहे हैं, गांव-गांव में रह रहे हैं। एक मेरे सीनियर है आयुष्मान पंत सर, जो अभी एक काम करते हैं, ये सब चीजें मत बोलो नहीं तो मोटिवेशन क्या है मेरा डाउन चला जाता है, ये सब बहुत सुन के मैं एक मेरा दोस्त है वो एचपीसीएल में काम कर रहा 2018 में, मतलब उसने ज्वाइन किया था, उससे मैंने बात किया 5-6 दिन पहले, तो वो तो एकदम मस्त बोला चिल ब्रो चले जाना आराम से बस और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं होता यार, हो जाए वो गेट हो गया था, डिमोटिवेट हो गया क्या, कोई क्या बोल दिया मैंने, ऐसे एरिया में पोस्टिंग मिला है जहाँ नेटवर्क वेटवर्क नहीं आता है। नहीं, वो तो बात की बात है, हमें तो सिलेक्शन चाहिए भाई, कहीं पे भी आप पोस्टिंग दे दो हम तो कर लेंगे, हमें तो सिलेक्शन से मतलब। अच्छा अच्छा, जया जया जया, फिलहाल के लिए ये ट्राई करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो संडे के दिन, अगर जो दोनों आपके फ्रेंड है अगर एक टाइमिंग पे आ सके, उनको बोला ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1 घंटे का सेशन होगा, इससे ज्यादा ओवर नहीं होगा, और बोल देना लिमिटेड पर्सन है, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। संडे के बाद नहीं करते, मंडे के बाद करते, एक्चुअली मेरे को संडे मंडे ना मोटिवेटिंग एक मोटिवेट वाली बात है। एक मेरा फ्रेंड है वो घूमता ही रहता है, वो एचपीसीएल में है, 2018 में मैंने प्रीवियस जो मैंने इसीलिए छोड़ी थी क्योंकि एक तो वर्किंग आवर्स वहाँ पे फिक्स नहीं थे, मतलब ऑलमोस्ट 12 आवर्स हो जाते थे, और दूसरा था पैसा, तो अपने को क्या है कि पैसा भी मिल जाए और ठीक ठाक मतलब वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, तो इधर उधर की बातें जब मैं सुनता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यार फिर मतलब क्यों कर रहे हैं गेट वगैरह जब अगर वापस ऐसे ही काम करना है तो, है ना। तो जया तुम्हारा जो फ्रेंड है वो ग्वालियर से तो नहीं है कि, मेरा भी फ्रेंड है वो भी एमपी का, ग्वालियर से, सेम, क्या नाम है आपका, विपुल नाम है क्या, विपुल गुप्ता, नहीं सॉरी आदित्य अग्रवाल मेरे ही कॉलेज, ओके देन डोन, तो विपुल को भी बुला लीजिए और आदित्य भाई को भी बुला लीजिए, अनिल तो मेरे को लग रहा है, अनिल तो मेरे को लग रहा है कि एचआर पैनल को ही बुला लेगा थोड़े दिन में यहाँ पे। विष्णु है ना एचआर पैनल से टॉपिक खोज रहा है। शुभम भाई एक्चुअली तुम मोटो इस चीज को लेके, तुमने एक वही कहावत सुनी होगी ना कि अगर आपके पास टाइम है तो ज्यादा एक्स को शार्प करने में दो फिर पेड़ को कट करो। हाँ भाई, तो ऐसा थोड़ी स्ट्रेटजी, एक जना तो आ जाए, एक बार 26-27 कोई डेट फिक्स हो जाए, एक जना आ जाए, उसके बाद और लोगों को खोजेंगे, सर्च करेंगे, फर्स्ट लेट वन थिंग कंप्लीट। एक दूसरे को बाय बाय बोल देते हैं आज के लिए, बाय बाय गाइस, तो मिलते हैं, कल भी मिलते हैं, मीटिंग वगैरह करेंगे, परसों इंटरव्यू सेशन कंटिन्यू करेंगे, कल सुबह का करेंगे ना, कल सुबह का टॉपिक शेयर करना जो लोग ना कर पाए, क्योंकि मेरा पॉसिबल नहीं होता किसी टाइम, क्लासेस वगैरह होती हैं तो इसलिए। ठीक है, कल सुबह करते हैं, सुबह जीटी करेंगे ना। हाँ, सुबह 10:30 बजे। ठीक है ठीक है ठीक, चलो बाय गाइस, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बाय।